अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी अप्पे बनाने की, क्योंकि ये साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये अप्पे बनते हैं दोस्तों, और ये खास अप्पे पैन में बनते हैं और ये राइस के साथ बनते हैं, और इतने यमी और टेस्टी होते हैं कि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, एकदम स्पंजी होते हैं, और ब्रेकफास्ट में तो मज़ा ही आ जाता है इसको खाने से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए है 4 ग्लास चावल। ये चावल कोई भी आप ले सकते हैं, जो नॉर्मल आप यूज़ करते हो घर पर वो ले लें। और इसको भिगोने के लिए रख दिया है मैंने, तकरीबन 7 से 8 घंटे रख दें इसको भिगोने के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने उड़द दाल को भी भिगो दिया है, ये तकरीबन 1 ग्लास है, यानी कि 4 ग्लास के लिए आप चावल हैं तो 1 से 3/4 कप ग्लास तक ले सकते हैं दाल, 3/4 तक। और ये भीग चुकी हैं दालें और चावल, दाल और चावल, इसको अब हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं चावल को और दाल को, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं इसमें इसको पीसने में हेल्प करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए कि ज़्यादा पतला ना पीसें, ज़्यादा पानी डालकर ना पीसें, थोड़ा सा थिक ही रहना चाहिए, जितना हो सके इसको थिक रखने की कोशिश करें। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से पीस गया है और ये एकदम महीन पेस्ट बन गया है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि कम यूज़ करें, जितना हो सके ये थिक होना चाहिए बैटर। तो अभी दोस्तों ये लास्ट वाला बैच, सारे आपने बैटर को इसी तरह से पीसना है। लास्ट वाले बैच में 1 से 2 मुट्ठी पके हुए चावल को आपने इसमें ऐड करना है मिक्सचर के साथ, दाल और चावल के साथ, और थोड़ा सा पानी डालकर इसका भी एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, महीन पेस्ट। ध्यान रखिए कि पानी आपने बहुत कम यूज़ करना है, और इसको भी आपने सारे बैटर के साथ मिक्स कर देना है। लास्ट में आप इसको चावल, पके हुए चावलों के साथ, कच्चे चावल और दाल के साथ इसको पीस दें, और सारे बैटर को अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से मिक्स करें, क्योंकि ये सारे अलग अलग पीसे होते हैं बैटर अलग अलग बैचेस में, तो सारे मिक्स हो जाने चाहिए। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हम, और मिक्स करने के बाद इसको हम फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे ढककर किसी गर्म सी जगह पर। आप किचन में रख दें कहीं पर जहाँ कोई इसको हाथ ना लगाता हो, तो 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट इसको रख दें आप। और ये देखिए अभी सुबह हो चुकी है, तो यहाँ पर फर्मेंटेड बैटर रेडी है मेरे पास, यहाँ पर देख सकते हैं फर्मेंट हो चुका है बैटर हमारा। और चलिए इसको, इसके अब हम अप्पे बनाते हैं मज़ेदार ब्रेकफास्ट के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बैटर निकाल लिया है बड़े बोल में, और इसमें मैं दोस्तों वीडियो शूट करना भूल गई, इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से यानी कि स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा सोडा ऐड कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अब हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और बारीक कटी हुई प्याज, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, हरा धनिया, और इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं। ये सारी चीज़ें डलती हैं दोस्तों अप्पे में, जब बाज़ार के हम लोग लाते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें डली होती हैं, और इससे काफ़ी अच्छे और टेस्टी बनते हैं अप्पे। आप चाहे तो ये सारी चीज़ें नहीं पसंद आप, तो सिर्फ नमक और सोडा डालकर भी प्लेन अप्पे भी बना सकते हैं आप। आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं दोस्तों मुझे पता नहीं, लेकिन देख कर आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास क्या बोलते हैं आपके एरिए में। तो ये जो ख़ास अप्पे पैन आता है दोस्तों वो यहाँ पर ले लिया है मैंने, इसको मैंने गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। तो इसको अब हम ऑयल से ब्रश कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीस कर लें, आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल डाल भी सकते हैं, लेकिन ब्रश कर लें क्योंकि ये नॉनस्टिक अप्पे पैन है तो इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको अब हम फिल करते हैं अप्पे मोल्ड्स को बैटर के साथ, और सारों को आप भरना है जिस लेवल भरना है, इससे ज़्यादा नहीं भरना है आपने इसको, बाद में ये और ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं पककर। तो इसको अब हम लिड लगाकर 10 से 15 सेकेंड कर तक पकने देंगे, उसके बाद लिड को हटाकर हम चेक कर लेते हैं और इसको टर्न करेंगे, और जो इसके साथ इसकी ख़ास स्टिक आती है चेंज करने के लिए अप्पे को पलटने के लिए, जो उसी से मैं अप्पे पलट रही हूँ, इसी के अंदर आती है स्टिक अप्पे पलटने के लिए। तो इसको आपने ध्यान से इस तरह से पलट देना है, सारे अप्पे इसी तरह से हम पलट लेंगे। जो तो बीच में के दो हैं वो मैं निकालने में थोड़ा सा देर कर चुकी हूँ, तो जिस वजह से जल चुके हैं। अप्पे हमारे तैयार है दोस्तों। इसके साथ जो मैंने पीनट चटनी सर्व की है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रेसिपी की लिंक दे दूंगी, क्योंकि मैं पहले ये पीनट चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और लीजिए दोस्तों, सर्व कर लिया है मैंने पीनट चटनी के साथ अपने अप्पे को। सुबह का ब्रेकफास्ट मज़ेदार हो जाएगा आपका, जब भी आप ये बनाएंगे तो सबके साथ इंजॉय कीजिए, आपका ब्रेकफास्ट बढ़िया बनेगा और इसको आप इंजॉय करें। सेम बैटर से आप डोसा और चीला भी बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी साउथ इंडियन फेमस ब्रेकफास्ट रेसिपी अप्पे की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें और इसको ट्राई ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।